फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए 18 अगस्त के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आए हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर पर चलने से पहले हम आज का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, किस राज्य की सरकार बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी। तो दोस्तों, आप इसका आंसर ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में करें। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मंत्रालय ने 17 अगस्त 2021 को किन के लिए वीजा की एक नई श्रेणी की घोषणा की है? तो इसका आंसर है अफगानों के लिए। गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति के बाद यह निर्णय लिया है और इस इलेक्ट्रॉनिक वीजा को ई एमरजेंसी एक्स मिस्क वीजा कहा जाता है। यह वीजा उन विदेशियों को दिया जाएगा जो किसी भी वीजा की उपलब्ध श्रेणियों में शामिल नहीं है और वो फैमिली इमरजेंसी की वजह से भारत आना चाहते हैं, तो उनको ये वीजा दिया जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री मुहिदीन यासिन ने देश में राजनीतिक उथल पुथल के बाद 16 अगस्त 2021 को इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है मलेशिया। हमारा तीसरा प्रश्न है, गाजा पट्टी में आतंकवादियों ने 16 अगस्त 2021 को किस देश पर रॉकेट दागे हैं? तो इसका आंसर है इजराइल। हमारा चौथा प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने नागरिक विमान बनाने के लिए सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है हिंदुस्तान 228 और इस विमान का ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल कानपुर के HAL फैसिलिटी में किया गया है। हिंदुस्तान 228 जो है यह 19 सीटों वाला मल्टी रोल यूटिलिटी विमान है। हमारा पांचवा प्रश्न है, किसने तालिबान को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने के बाद तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है फेसबुक। हमारा छठा प्रश्न है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारतीय नेट कार्यक्रम के तहत भारत के कितने लाख गाँवों को 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी? तो इसका आंसर है 6 लाख और अभी तक 2,08,000 गाँवों को इंटरनेट की सुविधा मिल चुकी है। हमारा सातवां प्रश्न है, किस मंत्रालय का वृक्षारोपण अभियान 19 अगस्त 2021 को शुरू किया जाएगा? तो इसका आंसर है कोयला मंत्रालय और इसे आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाएगा। कोयला मंत्रालय के कोयला सार्वजनिक उपक्रमों ने गो ग्रीनिंग अभियान के तहत 2,385 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारा आठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो है मुंबई और भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से यह अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना जो है वो 1992 में हुई थी और कारोबार के लिहाज से यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। हमारा नवा प्रश्न है, खबरों में रहा तप्स किससे संबंधित है? तो ये तप्स जो है वो शिक्षा से संबंधित है। हमारा दसवां प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी राष्ट्र पहले हमेशा पहले। हमारे पिछले कल का अभ्यास प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रतिज्ञा में कौन सा वाक्यांश जोड़ा है? तो इसका आंसर है सबका प्रयास। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट देखो सीखो.गुरु पे विजिट कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।